जिन्होंने समंदरों का सीना चीर कर पहाड़ों के दरे दरे को झिंझोड़ कर हवाओं का रुख मोड़ कर मस्जिद खुदा का मुझे कहने दीजिए कि उसके बाद इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में एक बवाल आया तो तमाम का बवाल लालच और गुस्ताख करके दौलत की मोहब्बत में अपने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शाम को भी नजरअंदाज कर दिया। सर अली बगा मैं जब बेवा हूँ बूढ़ो लाचार हूँ और आम लोगों को दफाते में परेशान होता देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। पहले क्या जब उससे भारी रिश्वत तलब की जाती है तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। सत्याली होता दौलत की मोहब्बत में हमने नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने फरमाया अल्लाशी वाल मुंतशी अल्लाहुम्मा फिन्ना रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुम में। सत्याली होता जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान को भी नजरअंदाज कर दिए जाए तो मेरे तकरीर का क्या फायदा, जो मेरे साथी मौलवी ने अपनी गुफ्तगू में अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनका क्या फायदा। अरे हम तो वो कौम है जिसने इस दीमक के लिए खुद रास्ता हम बात किया, आज हमारा पूरा समाज ढांचा हिल गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा निजाम इसी बुनियाद पर चल रहा है। सर अली होगा अलमदद दरमदद मुकादी के जमा इंसाफ की तलाश में निकलती रही लेकिन वो अफसरान अपनी गैरत पर तंजीरें पहने रक्सो सुदूर की महफिल करवाते रहे और चंद मिनटों की खातिर अपनी इज्जत अपनी गैरत अपनी अहमियत को बेचते रहे। सर अली होगा तड़पता देखते रहेंगे और ये अपनी जगह घुमा के उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों निगाह में बहुत हकीर हो तुम वतन का पास तुम्हें था ना पहुंच सकेगा कभी अपने शुक्रिया।